and find out the value of sin square a. वैसे ये बहुत सिंपल सा है, ये बैंक पीयू का टॉपिक है ना, पर आपके एसएससी में एक मिलता है हमेशा, हर साल टायर टू में तो खास आते ही रहता है ना। आपको बहुत सारे देखो आए हुए क्वेश्चन होंगे एसएससी के भी, बहुत से फ्रैक्शन देके बोलते हैं कि आपस में कंपैरिजन करो, तो ये ऐसा मिलता रहता है। खासकर डीआई में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत से फ्रैक्शन होते हैं उसमें कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, इसको कोई खास तो नहीं होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको एक दो करके कि हम कैसे करेंगे कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। जैसे विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द करेक्ट, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.1 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, 2/5, 3/5 और 11/15, है ना। चलो बच्चों आप सब कर लोगे मुझे पता है, बट आप मेरी स्टाइल से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो देखते हैं, मुझे इन तीनों रेशो में पता करना है, इन तीनों फ्रैक्शन या रेशो, चलो एक ही बात है, रेशो या फ्रैक्शन में पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक फास्ट मेथड तो क्या होता है, कंपेरिज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फास्ट। इन दोनों में इसको 5 को 2 से गुणा करो कितना आया 10, और 3 को 2 से करो कितना आया 6, तो ये इससे बड़ा, इट इज़ ग्रेटर। अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, 15 को 2 से किया कितना आया 30, 3 को इससे किया कितना आया 33, तो ये ग्रेटर। तो 11/15 सबसे बड़ा हुआ, फिर 2/3 हुआ, और उसके बाद 2/5 हुआ, ये मेथड हुआ। ये हुआ सिंपल सा, दो फ्रैक्शन दे रखा है, क्रॉस कर लो गुणा और चेक कर लो कौन बड़ा रहा है कौन छोटा रहा है। अपन दो दो को कंपेयर करना है, एक साथ तीनों को कंपेयर नहीं करना है, कर तो सकते ही हो, उसके लिए फिर वही ना एलसीएम लेकर नीचे सबको गुणा करो। वैसे ये क्वेश्चन तो आसान इसलिए है क्योंकि 3, 5 और 15 तीनों आपस में बड़ा आसान है, एलसीएम क्या होता है तीनों का 15, तो इसको भी 15 बना लो, इसको भी 15 बना लो, और ये तो बना हुआ ही है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऐसा भी कर सकते हो। तो पहले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना आया 10/15, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कितना आ गया 6/15, और तीसरा नंबर 11/15। अब देख लो कौन ग्रेटर है कौन लेस है, इट इज़ ग्रेटर लेस और फिर लीस्ट, हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे आसान टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, पर इसमें कभी नंबर उल्टे फुलटे आ जाएं जिसका एलसीएम निकालना मुश्किल हो तब कैसे करते हैं, इसको नोट करो। तो मैंने आपको अभी एक ही मेथड दिया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो या सबका बेस सेम बना लो, सबका आधार सेम बन गया तो फिर ऊपर को डायरेक्ट कंपेयर करो, ये 11 सबसे बड़ा, फिर 10 और फिर 6, बताओ जल्दी से कर लोगे ना। चलो अब ये नंबर को उल्टा फुलटा होता तब कैसे करते हैं, चलो वो अपन इसमें से ले लेते हैं एक क्वेश्चन और। तो 10.2 हम देखते हैं, आप पूछो ना यार बच्चा, हिम्मत करके पूछा करो जो भी है, और मैं बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ कि है ना, हेजिटेशन दिमाग से निकाल लो, ये छोटी क्लास लेने का पर्पज़ यही है ना, कि जितना मेरा बैच बड़ा लेना भी नहीं है, चाहे कभी इन फ्यूचर भी कभी कोई ज़्यादा आएगा, इवन आई विल नॉट टेक द मोर देन 50 स्टूडेंट, तो क्योंकि मेरा पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा होता इतने भीड़ में पढ़ाना उड़ाना। अच्छा तो मुझे भी लगता था पैसे आ रहे हैं केडी से पैरामाउंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो पर्पज सॉल्व नहीं होता था, सब बच्चे डाउट लेके जा रहे हैं मैथ्स में, तो फिर मैं जिसके लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी वो पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। हाँ पैसा थोड़ा कम जरूर आ रहा है पर सॉल्व हो रहा है, तो इसलिए आप प्लीज़ आस्क मी द क्वेश्चन इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, और क्वेश्चन जो भी हो लेकर आओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आपको जो भी क्वेश्चन मिले लेके आओ, बट पहले क्लास नोट्स पे वर्क करो, ठीक है। हाँ जी चलो एक देखते हैं अपन, क्योंकि इस बार नहीं हो पाएगा, बट आपका वीकली टेस्ट जरूर लूँगा मैं, और उसको आपको अच्छे कर, इस बार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ऊपर वाला क्लासरूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था और नीचे मेरे को लंबी क्लास लेनी थी एक बैच की, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, आपका पूरा नंबर सिस्टम एडवांस मैथ्स के सब टॉपिक आएंगे, और जितना आपने इस वीक में पूरा पढ़ा आई विल गिव यू इन टेस्ट, पूरा नंबर सिस्टम, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे मिक्सचर पूरा, उससे पहले क्या पढ़ा था मिक्सचर से पहले टाइम एंड वर्क, उसका भी अभी टेस्ट नहीं हुआ ना, टाइम एंड वर्क का टेस्ट हो गया, आते ही नहीं देने आप, तो इस बार नहीं आया तो मैं बैंड बजा दूंगा। मिक्सचर और नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है, मिक्सचर और नंबर सिस्टम, ठीक है। हाँ जी चलो यहाँ पे देखते हैं एक और क्वेश्चन है अलजेब्रा, अरे हाँ अलजेब्रा का टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, अच्छा अलजेब्रा का टेस्ट सारे बैच का एक साथ लेंगे, है ना, एक अलजेब्रा का टेस्ट भी लेते हैं बीच में ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 10.5 ले लेते हैं पहले, मैं 10.5, एक नंबर है 2/3,
ए के 3/5, ए के 8/11, ए के 11/17। विच ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सबसे बड़ा कौन होगा? तो यार बच्चा वैसे तो आप देखो थोड़े नंबर चार आ गए है ना, और ये भी थोड़े से बड़े नंबर टाइप लग रहे हैं। अब आप इसको चेक करोगे, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्रॉस करो, देखो 10 और 9 कौन बड़ा, बस ये बड़ा। देखो 22 और 24 कौन बड़ा, ये बड़ा। कितना टाइम का लग रहा है, और ये कितना हो गया, 6 और 5 136 और 121 कौन बड़ा, तो ये बड़ा। तो ये आंसर देखो और है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चेक करो ये आया सबको। इसको ऐसे करो, 5 2 10 और 9, तो 10 बड़ा। इन दोनों को ले लो आप, 22 और 24, तो ये ग्रेटर। 135 + 121, तो ये ग्रेटर। हाँ, इसमें और बड़े नंबर भी आ सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक और ट्रिक दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज़, रिमेंबर दैट। आपको ऊपर वाला नहीं चेंज करना है, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करना है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देना है। सारे फ्रैक्शन को आप इस तरह चेंज कर सकते हो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपैरिजन आपका वही रहता है, ठीक है? तो मुझे बताओ करके एक बार, देखते हैं। पहला नंबर को मैं चेंज करता हूँ, ऊपर 2 को ऐसे ही रहने दो, और नीचे लिखो 3 - 2 कितना होता है, 1। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सब में करना है। ऊपर 3 को ऐसे ही रहने दो, नीचे लिख दो 5 - 3 कितना, 2। ऊपर 8 को ऐसे रहने दो, और नीचे कर दो 11 - 8 कितना, 3। 11 को ऐसे रहने दो, 17 - 11 कितना, 6। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कंपेयर करना बहुत आसान है। आप देख सकते हो ये 2 आ गया और ये 1.5 आ गया, तो इसको हटा दो। देखो 3 × 2 = 6, 2 point something, तो इसको भी हटा दो। ये क्या आ गया, 1 point something, तो ये ग्रेटेस्ट है और क्या। फिर तो चेक कर लो कौन सा बड़ी बात है, बताओ पहले जल्दी से बताओ। ठीक है, अभी करते हैं माइनस वाला, करते हैं ना माइनस वाला भी चेक करके देखते हैं। ठीक है, बताओ पहले ठीक है कि यहाँ तक। तो चलो एक माइनस वाला करके देखते हैं अपन, 10.2 करके देखते हैं। 10.2 करना ऐसे ही माइनस वाले में, तो बच्चा वही है ना, जितना ज़्यादा माइनस होगा वो कम होगा, माइनस में कम मतलब ज़्यादा। जैसे -5 और -9 में कौन ग्रेटर, -5 ग्रेटर। अब 2 माइनस में होगा तो उसको तो ऐसे कंपेयर करेंगे अपन, है ना। मतलब अब हाँ, तो आने दो ना माइनस, तो माइनस में जाएगा नंबर। आपको तो वही करना है ना, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। अब वैसे मैं बोलू ना यार, 7/2 ऐसा कर रहे हो क्या, 7/2 सबको सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। अब देखो वैसे खुद नंबर 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटे नंबर को कन्वर्ट करने का अच्छा मेथड है ना, उसको हम थोड़ा सा बड़े नंबर में करते हैं, तो उसमें भी चलेगा। उसमें क्या होगा, 2 - 7 तो -5 आ जाएगा। चलो करके देखते हैं 7, और मैंने आपको बोला है कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो -5 हो जाएगा, और 3 और 4 - 1 हो जाएगा, जबकि मुझे लग रहा है ये बड़ा इससे, ठीक है। सेम प्रोसीजर में लगाना है आपको, है ना, क्योंकि आपका एक्चुअली हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने रेशियो में एक मेथड लिखवाया था। रेशियो में याद है आपको, मैंने बताया था कि रेशियो में कुछ ऐड करने पर नया रेशियो ये होता है ना, उसमें एक कंस्टेंट बताया था कि वो उसे बड़ा मत ले लेना, माइनस करते ही आपका पूरा सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये मेथड मैंने, आप तब लगाओ जब कोई सारे फ्रैक्शन इज लेस देन 1, देन अप्लाई दिस मेथड, है ना। अब कोई एक वैसे ही सब छोटे हैं और एक बड़ा है, तो ये वैसे ग्रेटर हो गया, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ऑलरेडी जो ग्रेटर नंबर होगा, जिसमें नंबर न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमेटर लेस है, वहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो तो वैसे पता चल जाएगा टेबल लगा के, है ना। कोई आपसे पूछे कि 7/2 और 5/3 और 11/4 में कौन बड़ा, तो इसमें क्या चेक करना है, 2 की टेबल 3 बार जाएगी, 3 की टेबल 1 बार जाएगी, 4 की टेबल 2 बार जाएगी, तो ये बड़ा। उसमें तो वैसे पता चल जाएगा नंबर, प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जहाँ उल्टा होता है, 2/7, 3/5 और 4/11, यहाँ चेक करने में मुश्किल आती है कि कौन बड़ा है, उसमें फिर भाग भाग देने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो उसमें चेंज नहीं करना, चलो पहले 10.2 करके देख लेते हैं। बाकी क्रॉस वाला तो आपको पता ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 10.2 बस, ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें, 10.2 कर लो।
अच्छा देखो इसको अरेंज करो, एक है 4/3, एक है माइनस 2/9, एक है माइनस 7/8, एक है 5/12 इंटू असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में है ना, आरोही क्रम में लिखना है आपको है ना, डिसेंडिंग मतलब घटता क्रम, असेंडिंग मतलब बढ़ता क्रम, आरोही और अवरोही, ठीक है, असेंडिंग, ठीक है, मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है ना, तो आपको जो माइनस वाले आएंगे दोनों, हाँ तो उसमें क्या हो गया, ये -16 ये -63, तो कौन छोटा, -63, तो लिख दो -78, उसके बाद -2/9, इसमें टाइम थोड़ी लगता, 12 से 4 48 और 15 तो 5/12 यहाँ आएगा, और वो तो दिख रहा है वैसे ही 4/3 है, एक से बड़ा है बस, तो ये सब में सेम करना है, बट हाँ हाँ बिल्कुल सब में 40-20 सब में कर दो है ना, तो ये कितना टाइम कहाँ लग रहा है, तो उससे उतना भी मेहनत नहीं करना पड़ा, ये तो बस क्रॉस में कितना टाइम लग रहा है, बस देख लो, ठीक है, बताओ पहले कर लोगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस में तो वैसे ही पता है, ठीक है, अभी आप सब इसको करेंगे, तो एक क्वेश्चन मुझे 10.8 करके बता दो, अच्छा पहले 10.7 कर लेते हैं, और कहाँ है लाइज वाला कहाँ है, एक 10.7 करो पहले, मुझे 10.7 बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन डज नॉट लाइज बिटवीन 5/6 एंड 8/15, कौन सा फ्रैक्शन 5/6 और 8/5 के बीच में नहीं आता, कौन सा फ्रैक्शन 5/6 और 8/15 के बीच में नहीं आता। अब देखो यार इसमें तो टाइम लग जाएगा अगर बीच में चेक करते रहोगे, मैंने आपको अभी जो जुगाड़ बताया ना, इफ द फ्रैक्शन इज द लेस देन वन, अगर फ्रैक्शन एक से छोटा हो तो इसको कन्वर्ट कर लो, कितना मजेदार, 6 5 को ऐसे रहने दो और 6 में 5 को माइनस करो, कितना बोलो 1, 8 को ऐसे रहने दो और 15 - 7 8 करो, कितना, तो आपको चेक करना है कौन 5 और 8/7 कितना होता है 1 point something, उसके बीच में आएगा। अच्छा इसका कन्वर्जन बताओ, 2 2 आ गया, इसके बीच में आ रहा है 5 और 1.8 3 आता है, इसके बीच में 4 आता है और 6, कन्वर्जन नहीं पता है, ऊपर वाले तो वैसे रहने दो और नीचे वाले को घटा दो, देखो 6 को ऐसे रहने दो और 7 में 6 को घटाओ तो 1, 4 को ऐसे रहने दो 5 - 4 तो 1, 3 को ऐसे रहने दो 4 - 3 तो 1, तो आप चेक कर लो 2 3 4 6 5 और 1.1 के बीच में कौन आता है, 3 तो आता ही है, 2 तो आएगा इसके बीच में 5 और 1.1 के, 3 भी आएगा 4 भी आएगा, सिर्फ 6 नहीं आएगा, बाकी तो फिर क्रॉस गुणा करो और क्या, 3 भिन्न का योग 2 सही 11/24 है, 3 भिन्न का योग 2 सही 11/24 है, ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 7/6 इज ऑब्टेंड, अधिकतम भिन्न को न्यूनतम भिन्न से भाग देने पर, अधिकतम भिन्न को न्यूनतम भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, अधिकतम भिन्न को न्यूनतम भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, विच इज 1/3 ग्रेटर देन मिडिल फ्रैक्शन, जो कि मध्य के भिन्न से 1/3 अधिक है, जो कि मध्य के फ्रैक्शन से 1/3 अधिक है, तो न्यूनतम भिन्न ज्ञात करो द स्मॉलेस्ट वे। अब बड़े डरावने क्वेश्चन आते हैं आपके ये सब, खासकर नंबर सिस्टम में और खासकर टायर 2 में,
है ना, इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चंस आपके अक्सर आते हैं। अच्छा मैं इसमें ना आपको चैप्टर तो लगभग ख़त्म है, बट इसमें छोटा मोटा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके अलावा इसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन मतलब बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, ठीक है। वो कम से कम आप मानोगे नहीं, करीबन 80 से 100 क्वेश्चन हैं बहुत सारे, बट उसको मैंने फिल्टर आउट करके रिपीटेशन हटा के उसको कम क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, तीन फ्रैक्शन है, कुछ भी मान लो तीन फ्रैक्शन, मान लो कि पी है, एक क्यू है और एक आर है, इन सब का सम दे रखा है 2n 11/24, ठीक है। आपको पता है 24 + 2 = 48 में 11 जोड़ो कितना हो गया 59/24, ये हो गई पहली इक्वेशन, लार्जेस्ट और है ना आपका क्या दे रखा है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन है ना। तो कुछ भी मान लो, P को लार्जेस्ट मान लो, उसके बाद ये मान लो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, P डिवाइडेड बाय Q दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है 7/6, ये तो दे रखा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, हमें नहीं पता कौन है। मिडिल वाला को R मान लो, R क्या दे रखा है 76 से 1/3 कम, बस ऐसे ही आएंगे सिंपल से क्वेश्चन, पर लेंथी आएंगे, बहुत लेंथी है ना। आपको कहता है कि दो भिन्न है, उसमें सबसे बड़ा हमें क्या पता, कुछ भी मान लो लार्जेस्ट मान लो इसको, और सबसे छोटा का रेशियो कितना है 7/6, और एक जो फ्रैक्शन है वो क्या है 7/6 से 1/3 कम है मिडिल वाला, तो बस यहाँ से ये भी आ गया, कितना आ गया 21 - 6/6 है ना, 6 अच्छा एलसीएम ले लिया, 7 - 2 = 5/6। तो देखो आपको मिडिल फ्रैक्शन पता चल गया है ना, आर की वैल्यू पता चल गई, पी बाई क्यू 7/6 है, ठीक है। तो चलो आप लिख लो, बताओ कैसे करें। वैसे तो आप कर सकते हो, पता है क्यों, क्योंकि आपके पास 1, 2 और 3 तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है ना, यू कैन रिप्लेस। आप पी को ऐसे रखना है तो ऐसे रख दो, पी को 7/6 कर दो, 7/6 क्यू, और क्यू को ऐसे रखो, और आर की वैल्यू 5/6 इक्वल टू, बच्चा कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन के अलावा, कोई शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट। इन तीनों का सम इतना है, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या रख दी, पी की वैल्यू 7/6 क्यू, और क्यू की वैल्यू क्यू है, और आर की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कि वो 7/6 से 1/3 कम है, बस अवेयरनेस वाली बात है। तो खासकर ऐसे नंबर सिस्टम में अवेयरनेस वाले क्वेश्चन बैंक पीओ में तो अक्सर आते रहते हैं, आपके एसएससी में भी आज चालू हो गए है ना, नंबर सिस्टम के अवेयरनेस वाले क्वेश्चन ऐसे बड़े, बस इसको सॉल्व करो और आपका आंसर बिल्कुल कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, 13/6 क्यू इक्वल टू, और ज़्यादा कुछ मैं शॉर्टकट भी नहीं लगा पाऊँगा, -5/6, इसमें मैंने एलसीएम ले लिया 24, तो ये हो गया 59 - 20 हो गया, तो 13/6 क्यू इक्वल टू, तेरह से 3 बार, 6 से 4 बार, तो क्यू बराबर 3/4। पूछा क्या था वैसे, कौन सा फ्रैक्शन पूछा है, स्मॉलेस्ट 3/4 है ना, स्मॉलेस्ट पूछा आपसे। अब जिसको जो भी मानना है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बताओ पहले, ठीक है। तो ये और भी क्वेश्चन है, वो तो आप ट्राई करोगे, जनरल क्वेश्चन ऑफ नंबर्स इट्स वेरी फैंटास्टिक, करीबन 82 क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन ऑफ नंबर्स, ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, सॉरी चलिए आज यहीं पे हम ऑफ करते हैं।